कन्नौज जिले के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र की ग्राम रोतामई की रहने वाली कुसुमा देवी ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए बताया कि उसकी चार पुत्रियां हैं। उसने बताया कि उसको कोई पुत्र न होने के कारण उसका पति राम लड़ेते उर्फ सुभाष व उसका ससुर आए दिन उसे प्रताड़ित करते हैं, जिसके बाद उसका पति गाँव की ही एक महिला के साथ फरार हो गया और ससुर ने उसको चारों पुत्रियों सहित घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में उसका कोई सहारा नहीं है, आखिर इन पुत्रियों को लेकर वह कहां जाए। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है, तो वही पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। हम आए हैं साथ इसके लिए कि हमारे जो चार लड़कियाँ भर दिया हुआ है तो हमको मारते थोड़ते थे कि इसको घर से निकालते थे क्या हम तूने लड़का क्यों नहीं पैदा किया है, लड़कियाँ क्यों पैदा किया है, तो दूसरी औरत लेके भाग गया है। हम लोगों को ससुर ने निकाल दिया है, क्या धमकी दे रहे हैं कि मार डालेंगे हो कतौ भी नहीं लगने देंगे। लेके अब क्या जाएं बताओ साहब, अब क्या जाएं, हम जो लड़कियाँ हम क्या लेके जाएं, हमें सास ससुर रहने नहीं देते हैं, क्या जाएं बताओ, बैंके भी जाएं कि सुबह भी जाएं। क्या कह रहे ससुर? ससुर कहते हैं कि यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों? चार लड़कियों के मारे इनके चाहे कहाँ जाइए अपने, हम बताओ ये लड़कियाँ हुई हैं तो पैदा करने को बताओ क्या करें, उनका जहर लेके इनको खिला देंगे क्या करूँगा। अभी एक प्रार्थना पत्र एक महिला ने दिया है, उसका ये कहना है कि उसका पति किसी अन्य महिला के साथ जो है वो भाग गया है इसको छोड़ करके और सास ससुर ने घर से निकाल दिया है। थाना को मैंने जो है निर्देशित किया है, इसकी जाँच करेंगे, जाँच के आधार पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।